कल टिकटॉक आईडी उत्ते गायक प्रीत हरपाल वालों एक गीत बोलिया गया सी जिस विच कोरोना वायरस बारे गीत बोलदिया गुरु नानक पातशाह जी बारे प्रीत हरपाल ने गलत शब्दावली वरती सी जिस तो बाद काफ़ी विवाद भख्या। उस दे बाद अज गायक प्रीत हरपाल सचखंड श्री दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब पहुँचा और अकाल तख्त साहब पहुँच के उसने मुआफ़ी मंगी कि बीते दिन जो भी उस वालों वीडियो सोशल मीडिया से अपलोड की उसते लोगों के दिलों ठेस पहुँची है और वह कदे भी अजिहा नहीं सी चाहता, जिस दे चलते अज उसने अकाल तख्त साहब से मुआफ़ी मंगण लई पत्र दिता है। नाल ही उसने कहा कि अकाल तख्त साहब वालों जो भी उसनू सज़ा लगेगी वो भुगतण लई तैयार है। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कल एक वीडियो वायरल होया सीगा जी टिकटॉक ते वो बड़ा कह लो कि मैं मंदभागा समा समझदा उस जिहड़ा उहड़ा समा सीगा। असीं फैमिली नाल जांदे सीगे मोहाली ते रस्ते दे विच असीं किते रुकणा सीगा, उत्थे मैं बैंक दे मूहरे गड्डी रोक के ते मैं गड्डी बंद कीती और बच्चे कहन लगे कि भी पापा तुसीं बंद करती है गड्डी, एसी नहीं हैगा, उत्तों असीं मास्क लाए हुए आ। तो मैं कहा वो पुत्र बाहर वेखो तुसीं की समा चल रहा है ना, तो इदां इत्थों गल शुरू हो गई। कहिंदे हाँ जी मालक ने पापा तां ही सारे नूं ये समा दिखाया कि सारे शायद किते ना किते असीं गुनाहगार हाँ, क्योंकि साडे घरे अक्सर ही लॉकडाउन के दौरान ये गल चलती हुंदी सी कि पता नहीं महाराज नूं की मंजूर है, पता नहीं साडे तों कोई गुनाह गुस्ताखी हो गई है इंसानां तों भई जिहड़ा एडा वड्डा जिहड़ा ये कोरोना वायरस फैलिया है ना। सो इतों ही मेरे दिमाग च वैसे ही मैं लाइन बोलती अणजाणपुणे च कि बई जड़िया तुसी लाइन मैं हुण दोबारा की बोला, तो वो मैं टिकटॉक ते पाई हाँ। टिकटॉक ते असी फिर उतों तुर पे हाँ, तो रस्ते च घंटा डेढ़ घंटे की मतलब ड्राइव सी, असी रस्ते च रुके तो मैं वैसे टिकटॉक खोल के देखे, मैं क्या वेखदा भी किन्ने क व्यूज़ आ गए ने, वैसे जिवें जनरली आर्टिस्ट लोग देखते हैं। तो वो तीन चार मैं कमेंट पढ़े, वो कमेंट थोड़े नैगेटिव सके, फिर मैंने लग्या कि कितने उधले पासे नूं ना तुर पे, जिधले पासे नूं गल तुर पई ऑलरेडी है ना। तो मैं राइट वे वो डिलीट करती, उस वेले मैं डिलीट करती भी नहीं, मतलब जे लोगों के मन के गलत भावना पैदा हो रही है तो मतलब मैं लगता कि मेरे तो गलती हो गई है, तो मैं डिलीट करती। मैं मोहाली पहुँचता हाँ, तो मोहाली पहुँचदा मेरे ऑफिस तो मैं फोन आ जाता कि भाजी तुम इदा की कोई गल कही है भी लोगों के फोन आ रहे हैं। सो उदो मैं रिलाइज़ होया कि अच्छा यार मतलब वाकई वड्डी गलती हो गई है। फिर मैं लाइव होया अपने चैनल के उत्ते, जिहड़ा मेरा अपना फेसबुक पेज हैगा उहदे, फिर इंस्टाग्राम से लाइव हो के मैं मतलब अपोलोजाइज किया, मैं अपनी स्पष्टीकरण दिता कि मेरा कोई इदा का इंटेंशन कदे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस गुरु नूं मैं बचपन तो फॉलो करदा, मेरे जिहड़े आइडल ने, मेरा पूरा परिवार मानदा, मेरे घर रोज़ सुखमनी साहब का पाठ हुंदा सवेरे शाम नूं, मैं रह रास करदा है ना अरदास दे विच सरबत दे भले की गल करदा। सो मतलब इदा किवें हो सकदा कि मैं इंटेंशनली उस गुरु बारे उस अपने पैगंबर बारे इदा की गल कहां। सो मैं जदों सवेरे उठदा हां तां मीडिया दे विच बहुत शोरगुल हो चुका सी उदों तक, ते मैं तो यही अपील करूँगा थोनों सारयां नूं कि भी जिन्ने भी असी अपने अपने धर्म का सतिकार करते हैं, सानू सिखिज़म दे विच यही सिखाया गया शुरू तो कि सरबत दा भला, सारे धर्म साडे लई सतिकारयोग ने और साडा धर्म जिहड़ा आ उह सर्वपरे आ, और जिहड़ा मेरी फैमिली है मेरे बच्चे ने मैं हमेशा ही ईवन वो दोनों मेरे दो बेटे ने और दोनों ही सिखी सरूप दे विच ने, सरूप सिखी सरूप नहीं मैं कह सकता, उन्होंने केसधारी ने वो दोनों सिखी सरूप दे विच जदों आउणा चाहुण मैं उधरले पासे नूं लै के जाण दी कोशिश कर रहा अपने इतिहास बारे दसदा जो जो मैनूं पता आ। सो ये सारिया चीज़ा मेरे मन दे विच ने और मैं अपने धर्म के उत्ते बहुत अथाह अटुट विश्वास रखदा और सतिकार भी रखदा। मैं जथेदार साहब नूं मिल के अपना जिहड़ा माफ़ीनामा आ वो अपना स्पष्टीकरण के नाल दोनों चीज़ा मैं उन्होंने सौंपती हाँ जरूर आ, और मैं यही कहना चाहवागा कि बहुत वड्डी गल मैनूं लगती है कि जदों बेअदबी गुरु नानक पातशाह दी फलाने आर्टिस्ट ने की, मतलब मेरा नाम जदों जुड़दा मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा भावक लाइना ने। सो मैं यही अरदास करूँगा और यही दुआ करूँगा जिन्हें भी मीडिया वाले मीडिया हाउसेज ने कि थोड़ी जी रिस्पोंसिबिलिटी के नाल तुसीं मैनूं कल नूं एक बार फोन किया जाता तो मैं चंगा लगता कि मैं अपना स्पष्टीकरण दे सकता हूँ, पर उन्होंने अपने वालों जज बने और जज बन के उन्होंने अपने वालों बाइट चलाती और जिहड़ी कि बहुत वायरल हुई और गलत पासे नूं चली गई। मैं एक चीज़ होर इहदे विच ऐड ऑन करना चाहुंदा कि मैं अपने गुरु का अपने जिन्हें भी मेरे दस गुरु ने उन्होंने मेरे लिए यह सतिकार है कि जदों शहीदियों के दिन होंगे ने
तो वह पूरे दसंबर महीने मैं कोई गाना नहीं करता, कोई गाना रिलीज़ नहीं करता। 21 तरीक तो लैके 27 28 तरीक तक शहीदियों के दिन होंगे ने छोटे साहबजादों के, मैं उन्होंने दिनों में कोई शो नहीं करता। ये मैं पिछले 3-4 साल तो नहीं कर रहा। सो मेरा इन्ना अथाह विश्वास आ, अटुट विश्वास आ, और जदों कि मैं उदास होव, जदों मैं कितने निराश होव जिंदगी तो, मैं 2 वारी दरबार साहब जलंधर तो अपने घर तो चल के आने का मैनू महाराज ने बल बख्शा। मैं इन्नी आस्था तो इन्नी इन्ना सत्कार रखता अपने महाराज के प्रति। सो मैं एक बार फिर समूह संगतों तो जो गुस्ताखी हुई है तो वो मैं माफ़ी चाहना, और इंसान जो गलतियां का पुतला आ, और बस वो गलतियां का पुतला समझ के माफ़ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस उन्होंने यही कहा कि महाराज बख्शनहार ने, और ये जरा दर आ, जरा दरबार आ, ये जोड़े गुनाहगार ने उन्होंने हमेशा ही माफ़ी मिलती आई है और मिलती रहेगी, क्योंकि हर एक इंसान जो इंसान गलतियां ना करे, जो इंसान मतलब कोई गुनाह ना करे, फिर वो इंसान तो रब हो गया है ना। काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेस गुनी भरया मैं फिर, तो लोग कहन दरवेस है ना। सो गुना का भरया होया मैं, और मैं लगता हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए। सो मैं लगता कि सारा कुछ उसकी रजा सी, महाराज की शायद उन्होंने यही मंजूर सीगा, जो कुछ होना सी वो होया। हाँ मैं गीत बोल के थानू दसता कि मेरे दिलों मैनू लग्या कि मैं गलती कर गया, हालांकि मेरा 1% भी इंटेंशन नहीं सीगा उस टाइम यह, और 1% भी मैं सोचा नहीं गा कि भी मैं मतलब ये तो बहुत वड्डी गल हो जाती है कि मैं अपने मुँह कहाँ कि मैं गुरु महाराज के बारे, जिस गुरु नू मेरे मतलब मेरे घर सवेरे शामी जिहदा नाम लिया जाता है, सवेरे शामी जिहदी उस्तत हुंदी आ, उस महाराज के बारे या उस महाराज के खिलाफ कोई टिप्पणी करना इम्पॉसीबल वर्गा आ। पर चलो वो लोगों ने जो समझ लिया, संगत ने समझ लिया उधले पासे नू चीज़ नू, तो मैं उदा बार बार उस गुनाह की माफ़ी चाहना। बिल्कुल 1000 बारी बुलाऊंगे मैं, 1000 बारी आऊँगा मैं, जड़ी भी सज़ा होएगी उस सज़ा पर तैयार है। पाल सिंह प्रीत गायक आ जिन्हें कल कोरोना के गाने बोलते बोलते गुरु नानक साहब के बारे कुछ अपशब्द बोले से, वो इस बंदी अपना माफ़ीनामा दे गया कि मेरे को अनभोल भुल हो गई है, तो मैं माफ़ी दिखती जाए, अपना मंग पत्र देता लिखती उन्हें, तो सिंह साहब जी ने मंग पत्र पहुँचा दिता जाऊगा, जो कारण ही सिंह साहब जी अगला देश कर।